एवरी वन एंड वेलकम बैक टू चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली ग्रेट और आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी अपना इवनिंग टू तो मॉर्निंग रूटीन एक स्लो एंड पीसफुल मॉर्निंग के लिए आपका एक बेहतर नाइट रूटीन होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है एंड इफ़ यू स्ट्रगल इन द मॉर्निंग देन यू मे वॉन्ट टू थिंक अबाउट योर इवनिंग्स जो मैंने सीखा है वो ये कि एक सक्सेसफुल मॉर्निंग के लिए आपका एक स्पेसिफिक ईवनिंग रूटीन होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है द सक्सेस ऑफ आई मॉर्निंग ट्रूली डिपेंड्स ऑन वॉट आई डू द नाइट बिफोर तो अभी शाम के चार बज रहे हैं और मैं चार बजे डिनर की प्रपरेशन स्टार्ट कर देती हूँ मैं आज बना रही हूँ दही फुल्की तो उसी की रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ बहुत अच्छी होती है समर्स में हमें ज़्यादा से ज़्यादा दही कंज्यूम करनी चाहिए तो मैंने यहाँ पर दही बीट कर लिया उसके अंदर रेड चिली पाउडर एंड सॉल्ट मिक्स किया है और थोड़ा सा पानी डाल करना है इसका पतला सा वो बना लेंगे आ, कंसिस्टेंसी ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी नहीं रखेंगे इसकी क्योंकि जो हमारी पकौड़ियाँ होंगी वो काफ़ी सारी दही पी लेती हैं और मैंने यहाँ पे गार्लिक लिया है और क्यूमिन लिया है इसको मैं क्रश कर लूँगी अच्छे से और फिर इसको भी क्रश कर कर हम इस अपने दही के अंदर ऐड कर देंगे क्यूमिन से एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है इसके हमारी दही फुलके के अंदर और इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सारी ना समर्स की टिप्स भी शेयर करूँगी तो आप वीडियो एंड तक देखें बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी टिप्स हैं जितनी देर में मैंने ये दही रेडी करी है अपनी उतनी देर में यहाँ पर ऑयल भी गर्म हो गया और मैंने यहाँ पर बेसन रेडी कर लिया है पकौड़ियों का इसमें मैंने हरा धनिया हरी मिर्च प्याज़ और रेड चिली पाउडर सॉल्ट हल्दी पाउडर और थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट ये सारी चीज़ें ऐड करी है इसके अंदर और बस हम इसकी मीडियम फ्लेम पर पकौड़ियाँ रेडी कर लेंगे सारी इसके अंदर डाल देंगे और जब हमारे ये गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएंगे तो हम इनको बाहर निकाल लेंगे मैं यहाँ पर दही के अंदर थोड़े से चिली फ्लेक्स भी ऐड करी हूं। चिली फ्लेक्स से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर अनियंस और कोरिएंडर लीव्स ऐड कर देंगे हम इसके अंदर इन सबको हम मिक्स करने के बाद जो हमने अपनी फुलकियाँ रेडी करी हैं वो इसके अंदर ऐड कर देंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा चटपटी सी होती हैं ज़रूरी नहीं कि आप इसे रोटी से खाएँ आप इसको राइस से खाएँ राइस से भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं और ऐसे भी खा सकते हैं सिर्फ स्पून से कटोरी में लेके खा लीजिए तब भी बहुत टेस्टी लगती हैं तो यहाँ पर ये तो रेडी हो गया हम इसका तड़का रेडी करते हैं अब तड़के के लिए मैंने यहाँ पर ऑयल में ऐड कर दिया जीरा और साबुत लाल मिर्च डाल दूँगी साबुत लाल मिर्च आपकी मर्जी है नहीं डालनी तो मत डालिए और देखिए इसके अंदर डाल दिया और ये हमारी चटपटी सी एकदम दही की रेडी है और मुझे ऐसा लगता है कि मेल्स को बहुत ज़्यादा पसंद आती है ये दही फुल्कियाँ तो आपको अगर अपने पापा को खुश करना है या हस्बैंड या भाई को खुश करना है तो आप उनको ये दही फुल्किया बना कर ज़रूर खिलाएं डिनर मैंने रेडी कर दिया आटा वगैरह भी गूंद के रख दिया है मैंने और मुझे बस रोटी बनानी है वो मैं बाद में बनाऊंगी हस्बैंड भी ऑफिस से आ चुके हैं उनके लिए भी मैं चाय बना रही हूँ उनको ऑफिस से आकर हल्की फुल्की सी भूख लगती है तो उनको कुछ ना कुछ खाना होता है तो आज वो खाएंगे चाय के साथ गाजर का हलवा और गाजर के हलवे की रेसिपी मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में दी थी अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर चेक करें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी गाजर का हलवा बनाएं और विंटर्स जाने वाली थोड़ी बहुत अगर आपको लाल गाजरें मिल रही हैं तो आप उससे ज़रूर बनाएँ मेरी लास्ट वीडियो की रेसिपी ज़रूर देखें वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी फिर शाम की चाय पीने के बाद हम थोड़ी देर के लिए बाहर आ गए हैं समर्स स्टार्ट हो गई हैं अभी हल्की फुल्की सी ठंड है पर वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है तो हम थोड़ा बाहर आ जाते हैं मिराप को लेके इवनिंग में और मिराप भी खुश हो जाती है और थोड़ी सी फ्रेश एयर भी मिल जाती है सारा दिन घर में रहने के बाद और इसी बहाने इवनिंग वॉक भी हो जाती है हमारी मिराप इतना खुश हो रही है ना यहाँ पर और ये देखिए फूल बिछे हैं राहों में और इतने खूबसूरत लग रहे हैं ना ये और मिराप को देख मुझे इतना सुकून मिल रहा है यहाँ पर अगर हम अपना टाइम अच्छे से मैनेज करके चलें तो सारी चीज़ें इतनी इजी रहती है ना लाइफ इतनी ज़्यादा इजी होती है इस टाइम मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है मैं इतना रिलैक्स होकर यहाँ पर घूम रही हूँ और मतलब इवनिंग एंजॉय कर रही हूँ क्योंकि डिनर भी मेरा रेडी है और मुझे ऐसा लगता है कि हम सारी होम को अपना डे अच्छे से प्लान करना चाहिए अपने सारी टू डू लिस्ट बनानी चाहिए तो हमारी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है ए टेंशन नहीं रहती कि अभी ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ सारे काम भी टाइम से हो रहे होते हैं और एक प्रॉपर नाइट रूटीन सेट करेंगे हम तो ही हमारी मॉर्निंग्स इजी रहेंगी स्लो जाएंगी कुछ भागम भाग नहीं होगा मॉर्निंग में और फिर अगर मॉर्निंग हमारी स्लो जाएंगी तो पूरा दिन हमारा आराम से जाएगा तो एक अच्छा नाइट और इवनिंग रूटीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मॉर्निंग की पहले से ही प्रिपरेशन करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैं हमेशा से प्लान करती आई हूँ अपने रूटीन्स पर मेरे रूटीन्स हमेशा एक जैसे नहीं रहते सिचुएशंस डिफरेंट होती हैं और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग मेरे प्लान्स भी रूटीन्स भी डिफरेंट होते रहते हैं तो अभी हम वापस आ गए हैं घर पर और मैं रोटी बना रही हूँ क्योंकि बस रोटी बनानी रहती थी और ज़्यादा रोटी बनती रही है हमारे घर पर मैंने दही फुल के साथ थोड़े से राइस बनाए हैं और हस्बैंड के लिए रोटी बनाऊँगी वो रोटी से खाएँगे और मैं राइस से खाऊँगी तो हम डिनर काफ़ी जल्दी कर लेते हैं और जल्दी डिनर करने की वजह से मेरे पास जो होता है नाइट का बहुत सारा टाइम होता है अपनी मॉर्निंग की प्रिपरेशन करने के लिए हमारा डिनर हो जाता है अराउंड सेवन सेवन तक तो हमारा डिनर हो ही जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा ना वीकेंड पे कभी कभार लेट हो जाता है कि सेवन थर्टी टू एट हो जाएँ और फिर उतने टाइम तक ना एक बार हमारी आदत पड़ जाती है जल्दी खाना खाने की तो फिर भूख भी लगने लगती है तो सेवन तक हम अपना डिनर कर ही लेते हैं और यहाँ पर रोटी भी बन गई बस अभी हम अपना डिनर करेंगे डिनर हमने कर लिया था और मैं डिनर के बाद ही जो भी डिनर के बर्तन झूठे होते हैं उनको मैं तभी क्लीन कर देती हूँ क्योंकि सही रहता है मैंने ना आ, सोच लिया है कि मैं कभी भी अपना जो सिंक है बर्तनों से भरा हुआ छोड़कर नहीं सोऊंगी और ये जो हैबिट है ये बहुत ज़्यादा अच्छी हैबिट है रात भर बर्तन ऐसे झूठे रहते हैं रात भर किचन में बर्तन अगर झूठे रहेंगे तो किचन में आ, स्मेल तो आएगी ही खाने की उसके साथ साथ आपके किचन में काफ़ी ज़्यादा कीड़े कॉकरोचेस वगैरह भी आते हैं और जब हम मॉर्निंग में उठकर अपने किचन में आएंगे तो सबसे पहले तो आपको बिल्कुल भी अच्छी वाइब नहीं आएगी गंदा किचन देखकर और आपको जो काम होगा वो बढ़ेगा अगर ना आपकी मॉर्निंग फिर वही भागम भाग हो जाएगी पहले आप कुछ बनाओगे उससे पहले वो बर्तन वॉश करोगे फिर उसके उसे ड्राई करोगे फिर उसे यूज़ करोगे अगर बर्तन पहले से ही वॉश होंगे तो काफ़ी ज़्यादा जो काम है हमारा ईजी हो जाता है मॉर्निंग का और अगर आपके पास डिश वॉशर है तो भी आप अपने सारे बर्तन रात में ही डिश वॉशर में लगा दें तो सुबह तक आपको वो एकदम क्लीन एंड ड्राई मिलेंगे तो मेरे यहाँ पर बर्तन ऑलमोस्ट सारे वॉश हो चुके हैं और सिंक भी वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि इसी के अंदर हम अपने खाने वाले बर्तन वॉश करते हैं तो सिंक वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है और बर्तन के साथ साथ मेरा यहाँ पर सिंक भी एकदम क्लीन हो गया है सुबह जब मैं किचन में आऊँगी तो मुझे सिंक तो एकदम चमकता हुआ मिलेगा ही और जो बाकी के मेरे काम हैं वो भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे क्योंकि बर्तन तो ऑलरेडी वॉश्ड होंगे सारे और अब मैं कुछ मॉर्निंग की प्रिपरेशंस कर लूँगी जिससे मेरे लिए मॉर्निंग्स थोड़ी इजी हो जाएं जैसे कि ब्रेकफास्ट तो ब्रेकफास्ट में मेनली हमारे घर पे सैंडविचेस बनते हैं तो उसके लिए मैं हर पुदीने और हरे धनिया की चटनी रेडी कर लूँगी हमारे घर पर ये चटनी हमेशा रेडी रहती है पर अभी खत्म हो गई थी तो मैंने आज ही पुदीना मंगवाया था हस्बैंड से तो मैं उनकी ये चटनी रेडी कर ली हूँ उसके लिए मैंने हरा धनिया पुदीना हरी मिर्च और कुछ गार्लिक क्लॉव्स इसके अंदर ऐड करूँगी और थोड़ा सा इसके अंदर क्यूमिन सीड्स ऐड कर लूँगी और बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड कर कर इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी तो यूजुअली तो हमारे घर पर चटनी बनती है लेकिन कल मेथी के पराठे बनने हैं तो मुझे उसकी भी प्रिपरेशन करनी है तो फ़िलहाल ये चटनी मैंने ग्राइंड कर दी है और इसके अंदर थोड़ा सा लेमन स्क्वीज कर देंगे ना हम तो जो इस चटनी का कलर है ग्रीन रहता है काफ़ी सारे दिन तक तो इसको अभी मैं एयर टाइट कंटेनर में करके रख दूंगी एटलीस्ट मुझे आ, मतलब वीक तक तो चाहिए ही होती है चटनी पूरे वीक चल जाएगी इजीली वो और यहाँ पे मेथी के पराठे की भी प्रिपरेशन अभी कर लूँगी आटे में नमक मिर्च हल्दी ऐड करिए मैंने अजवाइन ऐड करी और ज़ीरो पाउडर और मेथी ऐड कर दूँगी और जो मेथी है मेरे हस्बैंड ने काट दी वहाँ पर बैठे बैठे तोड़ दी मेथी तोड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो सुबह तो थोड़ी डिफ़िकल्टी हो जाती है इतना सारा काम करने में तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल मिक्स किया है और अभी मेथी डालकर मैं आटा का जो डो है ये नीट कर लूँगी और जो जो हम आटा गूँधते हैं ना समर्स में वो आप ठंडे पानी से गूँधें जो इससे ना आटा जो है आपका जल्दी ख़राब नहीं होगा नहीं तो समर्स में बहुत जल्दी जल्दी आटा खराब होता है अगर आप ठंडा पानी यूज़ करेंगे तो आटा आपका काफ़ी लंबे टाइम तक सही रहेगा एटलीस्ट सुबह गूँदेंगे तो रात तक तो खराब नहीं होगा बिल्कुल भी तो मेथी के पराठों का डो भी रेडी हो गया और यहाँ पर हम मैं मेथी के पराठे के साथ चटनी बनाती हूँ वो चटनी भी मैं अभी रेडी कर लूँगी और उसका तड़का मैं सुबह करूँगी तो यहाँ पर मैंने गार्लिक लिया टमाटोज होल रेड चिलीज़ एंड सम क्यूमिन और उसके साथ मैंने सॉल्ट डाला इसके अंदर और फिर इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी और इसको भी ग्राइंड करने के बाद मैं फ्रिज के अंदर रख दूँगी क्योंकि इसमें जो तड़का लगता है वो मैं सुबह ही लगाऊँगी और मैं ना किचन काउंटर टॉप भी क्लीन कर कर ही सोती हूँ रात में सारे काम जब मेरे ख़त्म हो जाते हैं उसके के बाद मैं काउंटर टॉप क्लीन कर देती हूँ और कुक टॉप भी क्लीन कर देती हूँ जब मेरे को नाइट टाइम किचन क्लीनिंग होती करनी होती है तब तो मैं अच्छे से करती हूँ पर अभी फ़िलहाल मेरे को इतनी डीप क्लीनिंग नहीं करनी है पर ऊपर ऊपर से तो क्लीन करना ही है तो इस तरह से मैं क्लीन कर देती हूँ तो जब मैं सुबह आती हूँ तो किचन एकदम साफ़ सुथरा महकता हुआ मिलता है तो दिल खुश हो जाता है किचन में आकर और काम करने में ना बहुत मन लगता है और यहाँ किचन काउंटर टॉप पर मैं वाटर और विनेगर इक्वल क्वान्टिटी में ले स्प्रे कर दूँगी इससे जो समर्स में एंट्स आते हैं वो नहीं आते हैं और मुझे लंच के लिए लोबिया बनाना है तो वो भी मैं अभी ही आ, सोक करके रख दूँगी तो इजी हो जाएगा ना सुबह सुबह मैं भूल भी जाऊँगी सोक करना और अगर मैं अभी सोक कर दूँगी ओवरनाइट तो बहुत अच्छा रहेगा और यहाँ पे मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स भी सोक कर रही हूँ साथ में डेट्स भी कर रही हूँ क्योंकि मुझे कल मेरा आपको एक बनाना स्मूदी बना देनी है तो जो भी आपके घर पे ओवर राइप बनानाज हो रहे होते हैं आप उनको कभी भी नहीं फेंकें दे आर रिच इन मिनरल्स लाइक पोटेशियम एंड मैग्नीशियम और हार्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं तो आ, हमेशा ना यूज़ कर लें इनको फेंकें नहीं से स्मूदी बनती हैं शेक्स बनते हैं ब्रेड बना सकते हैं बनाना बहुत सारी रेसिपीज़ हैं सारी मैंने अपने मॉर्निंग प्रपरेशनस कर लिए हैं और एक समर्स में ना ऐसा नहीं है कि सिर्फ विंटर्स में ही आपके हाथों को मॉइस्चराइजर की ज़रूरत होती है समर्स में भी ज़रूरत होती है तो अपने हाथों का समर्स में अच्छे से ख्याल रखें सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद अपने हाथों को मॉइस्चराइज़ करना बिल्कुल भी ना भूलें एक बढ़िया सी क्रीम लें और मैं रात में ही थोड़ा सा घर भी समेट के सोती हूँ जो कि सुबह सुबह घर थोड़ा अच्छा लगे क्लीन लगे सोफ़े पे यहाँ पर मेरा ने काफ़ी सारी नमकीन गिरा रखी है तो मैं उसी को ना वैक्यूम से क्लीन कर दूँगी अगर मैं हाथ से झाड़ती तो वो नीचे कारपेट पे झड़ जाती फिर कारपेट भी वैक्यूम से क्लीन करना पड़ता और समर्स में ना आप कोशिश करें कि अपने सोफ़े पर कवर ज़रूर बिछाएँ इससे जो भी डस्ट वग़ैरह आती है वो आपके सोफ़े पर नहीं आएगी और कवर आप इज़ली वॉश कर लेंगे तो अभी अपना नेटफ्लिक्स पे थोड़ा सा वेब सीरीज़ देखने के बाद मैं ये जो भी सामान यहाँ पर है थोड़ा बहुत रखा रह जाता है मेरा आप थोड़ा फैला देती है अपने टॉयज़ या फिर जो भी हम खाते पीते हैं वो चीज़ें वहीं होती हैं तो मैं आ, कभी भी रूम से ना खाली हाथ नहीं जाती जो भी सामान होता है उसे उठा कर ही लेके जाती हूँ तो ये बर्तन थोड़े बहुत वो, इन गंदे हुए हैं झूठे इनको भी मैं वॉश कर दूँगी अभी और ना अपनी एक लिस्ट बना लूँगी टू डू लिस्ट जो कि जो भी मुझे कल काम करने मेन मेन वो मैं नोट डाउन ज़रूर करती हूँ क्योंकि मील प्लानिंग तो मैंने कर ली मील प्रेप तो अलग चीज़ है पर जो काम करने बड़े छोटे जो भी हैं वो मैं नोट डाउन कर लेती हूँ इससे ना मेरा पूरा दिन एक तरह से प्लान रहता है कल का और ईजी हो जाता है मेरा डे तो यहाँ पर मैंने अपनी पूरी टू डू लिस्ट बना ली और रात के टाइम मुझे बुक पढ़ने का भी शौक है पर कभी कभी पढ़ पाती हूँ आज नहीं पढ़ पाई तो बस यही सारी चीज़ें होती हैं घर की थोड़ा बहुत समेटा बटोली कर लो रात के टाइम और डाइनिंग टेबल पे भी थोड़ा बहुत सामान है इसको भी मैं हटा के रख दूँगी और मेरा आप जो है उसके टॉयज़ तो पूरे घर में ही पड़े रहते हैं वो सारे टॉयज भी मैं थोड़े से समेट दूंगी तो ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत आ, समेट दो ना तो जो सुबह उठकर हमें हमारा घर एकदम क्लीन लगता है और सोचिए अगर आपके घर पर अचानक से ही सुबह कोई गेस्ट आ जाए और पूरा फैलावा फैला हुआ है तो उस टाइम पे आप ना एकदम से हबड़ दबड़ हो जाएगी भाग दौड़ के ये भी समेटना है वो भी समेटना है पर थोड़ा बहुत अगर घर सिमटा हुआ हो तो आपके लिए इजी हो जाएगा तो इसलिए ना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रात में ही ये जो थोड़े बहुत टॉयज़ होते हैं मेरा आपके ये मैं समेट दूँ पर हमेशा ये पॉसिबल नहीं हो पाता है उसके टॉय समेटने क्योंकि अगर वो जाग रही होती है तो उनको समेटने ही नहीं देती और आज वो थोड़ा सो गई इतना खेली वो बाहर और फिर घर में आकर भी बहुत खेली तो इसलिए आज वो जल्दी सो गई तो मुझे मौका मिल गया उसके टॉयज समेटने का सारे और यहाँ पर कनाडा में समर्स में जो डे है ना मतलब जो दिन है वो नाइन थर्टी तक तो रहता ही है मतलब उजाला रहता है नाइन थर्टी तक उसके बाद अंधेरा होना स्टार्ट होता है और जब विंटर्स होती हैं तो चार बजे ही अंधेरा होने लग जाता है तो इतना ज़्यादा फ़र्क है यहाँ पर समर्स और विंटर्स के ना दिन छिपने में सनसेट होने में ये देखिए मैंने अभी सोफ़ा ठीक किया था और मैं फिर से दोबारा ठीक कर रही हूँ क्योंकि मैं अभी यहीं पर आई थी खेली फिर लेट कर यहीं सो गई सोफे पर ही तो ऐसा होता है कि कई बार मुझे दिन में कई बार चीज़ें ठीक करनी पड़ जाती हैं पर क्या करें एज अ होम मेकर मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपने घर को अच्छे से रखूं पूरा नीट एंड टाइडी बना के रखूँ तो मैं वही करती हूँ जितना हो सकता है उतना कर लेती हूँ और मैं ये नहीं कह रही कि रात को डीप क्लीनिंग करने बैठ जाओ पर ऐसा हम समेट देते हैं तो तो सुबह उठकर हमारा ही काम इजी होगा और रात में बहुत सारा टाइम होता है मेरे पास तो मैं ये सारी चीज़ें रात में ही कर देती हूँ और टेबल पे भी उसने थोड़ा सा कुछ खाया है तो वो गिरा दिया तो वो भी मैं अभी क्लीन कर दूँगी पूरा मॉर्निंग्स में ना मुझे जो सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग चीज़ लगती है वो आयरन करने लगती है वो भी फॉर्मल्स पे आ या फिर सूट पे तो आपको पता है कितना टाइम लगता है आयरन करने में और जब हस्बैंड टी शर्ट पहन के जाते हैं ऑफिस तब तो मेरे लिए ईजी हो जाता है लेकिन जब वो शर्ट पहन के जाना होता है उन्हें तब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ट्राउज़र एंड शर्ट पैरन करने में तो मैं आयरन भी ना अपनी रात में ही कर लेती हूँ जो कि सुबह ना आराम से जाए क्योंकि रात में तो है मेरे पास टाइम पर सुबह इतना ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं होता हालांकि हस्बैंड को थोड़ा लेट जाना है कल ऑफिस कल वो आराम से सुबह ब्रेकफास्ट कर कर जाएंगे तभी मैंने मेथी पराठे का प्लान करा है क्योंकि उन्हें आराम से ऑफ़िस जाना है पर फिर भी मैं अभी आयरन कर दूंगी क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा ज़्यादा टाइम है और मॉर्निंग तो आपको पता है कितनी बिजी होती है हम होम मेकरस के लिए तो कल की मॉर्निंग तो मैंने अपनी अच्छे से प्लान कर ली और अभी खुद की केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समर्स में मॉइस्चराइज़र स्किप ना करें कई लोग मॉइस्चराइज़र स्किप कर देते हैं अपनी स्किन केयर अच्छे से करें फेस और हाथों के साथ साथ अपने पैरों की केयर करना नहीं भूलें समर्स में अपनी जो स्लिपर्स हैं उन्हें रेगुलरली वॉश करें कई बार ऐसा होता है गंदी स्लीपर से भी पैर ख़राब हो जाते हैं हमारे समर्स में क्योंकि कई लोग ना फर्श पर नंगे पाँव चलते हैं समर्स में अच्छा लगता है तो बस अभी सारी स्किन केयर हो गई और अब मैं सो जाऊँगी है एवरीम वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग तो मुझे स्लो मॉर्निंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे पसंद है कि मैं उठ जाऊँ फिर थोड़ी देर बेड पर ही लेटी रहूँ बैठी रहूँ बेड बैठ पर ही और फिर आराम से मैं जाऊँ अपना हनी लेमन वाटर पीऊँ या फिर कोई भी डिटॉक्स ड्रिंक हाइड्रेटिंग ड्रिंक पीऊँ हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है तो स्लो मॉर्निंग्स का एक अलग ही मजा है और स्लो मॉर्निंग तभी हो सकती है जब आपने अपना इवनिंग नाइट रूटीन अच्छे से प्लान किया हो मॉर्निंग के लिए तो मॉर्निंग मेरी पूरी प्लैंड है एज यू नो रात को ही मैंने सारी प्रिपरेशंस कर ली थी मेरा ब्रेकफास्ट ऑलरेडी ऑलमोस्ट डन है मुझे बस थोड़ा सी मेहनत करनी है उसमें और सारी चीज़ें डन है घर भी क्लीन है तो बस अभी मैं ब्रश करूँगी और शार लूँगी और रेडी हो जाऊँगी फॉर द डे और हस्बैंड ये रोज़ेज़ कल लेकर आए थे वो कभी कभी रोज़ेस लेकर आ जाते हैं और मैं उन्हें कल लगाना ही भूल गई आज मैंने वाश में लगाया तो थोड़े से वो मुरझा गए लेकिन पानी के अंदर डलते ही ना वो थोड़े से खिल गए फ्लावर्स और यही जो मैंने बर्तन कल वॉश करे थे और रात के टाइम उनको मैं रख दूँगी अभी कैबिनेट्स के अंदर तो बस यही है अगर आपको सक्सेसफुल मॉर्निंग चाहिए तो आपको एक रात पहले तैयारी करनी पड़ती है उसकी पूरा अपना रूटीन सेट करना पड़ता है नाइट रूटीन सेट करेंगे तभी तो आपका मॉर्निंग रूटीन जो है अच्छे से सेट हो पाएगा और मैं मॉर्निंग में एक्सरसाइज भी करती हूँ बाहर वॉक पर भी जाती हूँ वो सारी चीज़ें मैंने अभी इसमें नहीं दिखाई हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती हाँ पर मैं सुबह ना मुझे अगर मैं अपना यूट्यूब का काम करती हूँ तो मुझे बहुत सारा टाइम मिलता है पहले मैं रात में किया करती थी पर मैं अब रात में नहीं करती मैं हमेशा मॉर्निंग में ही करती हूँ क्योंकि मॉर्निंग ना मेरे पास बहुत सारा टाइम होता है हस्बैंड और बेबी सो रहे होते हैं दोनों और मैं आराम से अच्छे से कर पाती हूँ और नाश्ता रेडी करने से पहले मैंने जो ये सम लंच के लिए लोबिया भिगोया था इसे मैं रख दूँगी कोकर के अंदर तीन चार सीटी में ये गल जाएगा और फिर अपना मैं नाश्ता रेडी करती हूँ मेथी के पराठे बनाने हैं मुझे और यहाँ मेथी के पराठे भी रेडी हो गए एंड और मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितना रिलैक्स होकर ये सब बना रही हूँ क्योंकि मेरा डो ऑलरेडी रेडी हुआ हुआ था आपको तो पता है मेथी तोड़ने वोड़ने में कितना सारा टाइम लग जाता है और अगर मेथी के पराठे सुबह बनाने हैं तो बहुत जल्दी उठना पड़ेगा उसके लिए उठोगे जल्दी और कुछ और नहीं कर पाओगे बस यही बनाते रह जाओगे तो यहाँ पर मेथी के पराठे रेडी हो गए चटनी भी मैंने ग्राइंड कर दी थी रात में ही अगर आपको याद हो तो और उसका मैं यहाँ पर तड़का रेडी कर दूँगी तो यहाँ पर जो हमारा ब्रेकफास्ट है तड़के में मैंने चटनी डाल दी है तो जो ब्रेकफास्ट है वो एकदम रेडी है और अभी हम सब नाश्ता करेंगे एंड आई होप आपको मेरा ये रूटीन पसंद आया होगा और रूटीन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम तब तक के लिए आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए बाय